हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में आम की खट्टी मीठी मसालेदार चटनी की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। इस चटनी की रेसिपी में मैंने बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स लिए हैं जिससे आप इस चटनी को सालों साल रख करके खा सकते हैं। चलिए बनाते हैं आम की खट्टी मीठी मसालेदार सालों साल चलने वाली इस चटनी को। मैंने लिया है 740 ग्राम कच्चा आम, ये अचार वाला आम है। और अब इस आम को अच्छी तरह से धो करके साफ कपड़े से पोंछ लेना है, क्योंकि अगर आम में थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो इसकी जब चटनी बनाएंगे तो बहुत जल्द ख़राब होगी। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। अब सारे आमों को छील करके इसका ऊपर वाला पोर्शन को कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आम की लच्छा चटनी। तो यहाँ पर मैं कद्दूकस के मोटे वाले पार्ट से इन आमों को कद्दूकस करूँगी। जब भी आपको इस चटनी बनाना और ज़्यादा दिन तक रखना हो तो उसके लिए आप गुठली वाला आम ही लीजिए। कच्चे आम के लच्छे बनकर के तैयार है और अब इसकी बनाएंगे चटपटी मसालेदार चटनी। गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे एक टेबल स्पून पाँचफोरन। पाँचफोरन में पांच तरह के मसाले होते हैं, जिसमें होता है मेथी, मंगरेल, अजवाइन और सौंफ और सरसों। इन मसालों को ड्राई रोस्ट करने के बाद में इमाम दस्ते में डाल करके कूट लेना है। कढ़ाई में डालेंगे दो टेबल स्पून सरसों का तेल। आप सरसों के तेल की बजाय कोई भी कुकिंग ऑयल को ले सकते हैं। तेल डालने से एक प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और इस तरह से बनाई हुई चटनी को आप सालों साल रख करके खा सकते हैं। चटनी में सौंधापन लाने के लिए दो सूखी लाल मिर्च को तोड़ करके इस तरह से डाल दे रहे हैं। आधा टीस्पून जीरा का डालेंगे और अब डालेंगे भून कर कुटा हुआ पाँचफोरन। पाँचफोरन को तुरंत डालते ही आम के लच्छों को भी इसके साथ ही साथ मिला देना है। और अब डाल देना है गुड़ और चीनी। गुड़ और चीनी की क्वांटिटी मैंने 740 ग्राम ली है, क्योंकि जितना वेट का आप आम लेंगे उतने ही वेट का आपको गुड़ या चीनी डालना पड़ेगा। या तो आप गुड़ और चीनी दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों को मिक्स करके डाला है। चाहे तो आप केवल गुड़ से भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं या केवल चीनी से भी इस आम की चटनी को तैयार कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी, आधा टीस्पून सादा नमक और आधा टीस्पून ही काला नमक। रेसिपी में काला नमक आप ज़रूर डालिए, इससे इस चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब केवल एक दो बारी ऐसे चला करके ढक करके मीडियम फ्लेम के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट बाद चटनी को चेक करेंगे और इसके गुड़ को क्रश करके फिर से इसको ढक करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर वापस से इस चटनी को चेक करेंगे और अब इसको खोल करके ही पकाना है। और देखिए ये चटनी में कितनी अच्छी तरह से पानी छूट गया है, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। तो जब चटनी थोड़ी थोड़ी सूख जाए तब एक टेबल स्पून भर कर डालेंगे काश्मीरी रेड चिली और साथ ही डालेंगे एक टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। भुना हुआ जीरा डालने से इस चटनी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस स्टेज पर बराबर चलाते हुए चटनी को पका लेना है और 15 मिनट में ही ये चटनी बन करके तैयार हो जाएगी। और इसकी कंसिस्टेंसी बस इतना ही रखना है, क्योंकि ये ठंडा होने पर ये और भी गाढ़ी होगी। और गैस की फ्लेम बंद करने से पहले आधा टीस्पून सोल्ट पाउडर डालेंगे और सोल्ट भी प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, इससे चटनी बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होगी। हलवाई लोग इस आम की लच्छा चटनी को बनाते समय सोल्ट का यूज़ ज़रूर करते हैं। और अब गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चटनी बनकर के तैयार हुई है। अगर आप 4-5 किलो आम की इस चटनी बना रहे हैं तो एक टेबल स्पून वाइट विनेगर को गैस बंद करने के बाद में डाल दें, इससे यह चटनी सालों साल ख़राब नहीं होगी। और जब भी आपको इस चटनी को खाना हो तो सूखे चम्मच से इस चटनी को निकालिए। अब इस चटनी को कांच के साफ किए हुए सूखे जार में रख लेना है। बस इस चटनी को निकालते समय केवल इसी बात का ध्यान रखना है कि कभी भी गीले चम्मच से इस चटनी को ना निकालें, हमेशा साफ सूखी चम्मच से ही इसको निकालें। जब भी इस चटनी को जार में रखें तो रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही जार में डालें। चटनी को आप रोटी, पराठा, पूड़ी या चाट, पकौड़ी, समोसे वगैरह के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आम की इस चटपटी लच्छा मसालेदार चटनी की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबाइए नोटिफिकेशन बेल को। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की इजी यमी टेस्टी रेसिपी के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।